दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने जुलाई माह से लेकर दिसंबर माह तक जितनी भी परीक्षाएं वो कराने जा रहा है उसके लिए एक कैलेंडर जारी कर दिया है। लंबे समय से आप लोग दो परीक्षाओं के बारे में काफ़ी उत्सुक थे, ये परीक्षा कब होगी, डेट कब होगी, तो लोअर PCS 2019 की भी डेट जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ इस समय जो असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस कैलेंडर को देखेंगे तो सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 दूसरा चरण ये 28 जुलाई को होना है। इसके अलावा लोअर PCS 2019 की जो परीक्षा है ये 14 और 15 सितंबर 2019 दिन शनिवार और रविवार को संपन्न होगी। निश्चित रूप से ये परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होने वाली है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि अगर ये परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होगी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। वर्तमान में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं कनिष्ठ सहायक के, तो इसकी डेट भी आ गई है 3 नवंबर 2019 को ये परीक्षा होनी है। दोस्तों और बाकी की जो परीक्षाएँ हैं इसके बारे में भी आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और अगर आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो उसको भी आप जान सकते हैं कि कितना समय आपके पास शेष है। दोस्तों लोअर PCS के लिए जितना समय अभी से है वो पर्याप्त है। अगर आप प्राण पाठ से लग जाएं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये संकल्पित हो जाएं कि परीक्षा को क्रैक करना ही करना है तो फिर कोई भी बाधा आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक हार्दिक शुभकामना है कि आप सभी लोग इस परीक्षा में या जिस भी परीक्षा में आप लोग शामिल हो रहे हैं उसमें आप सफल हों। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।